हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निकिता मेहता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी शानदार मेडिसिन के बारे में जिसका बॉडी के हर एक पार्ट पे इफेक्ट है और वह बॉडी के हर एक पार्ट की जो एजिंग की प्रोसेस है उसको स्लो करती है, उसको रोकती है। इस मेडिसिन का नाम है जिंको बिलोबा। ये जो मेडिसिन है होम्योपैथी में मदर टिंचर फॉर्म में ली जाती है। इसका हेड से लेके टो तक हर एक पार्ट पे जो इफेक्ट है, अगर आप वो सुनेंगे तो सुनकर आप चौंक जाएंगे और इसे यूज़ करने की आपकी भी इच्छा हो जाएगी। इसका जो असर है वो बालों से लेकर, आंखों से लेकर, आपके जो बॉडी के सारे वाइटल ऑर्गन्स है उस पर भी है। मसल्स वीकनेस, फिजिकल वीकनेस, इन सभी पर इसका बहुत अच्छा वर्क है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते। जिंको बिलोबा मदर टिंचर फॉर्म में होम्योपैथी में बहुत वाइडली यूज़ की जाती है। जब भी किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि उसकी इतनी एज नहीं है जितनी एज उसकी लग रही है, और वैसे भी आज के टाइम में सभी पर्सन ये चाहते हैं कि वो अपनी एज से थोड़ा छोटा दिखें। अगर वो 40 ईयर्स के हैं तो वो 30 या 35 ईयर्स के दिखें या 25 ईयर्स के दिखें। तो और आज की जो डेली लाइफ स्टाइल है उसमें ऐसा हो रहा है, उसमें हो उल्टा रहा है कि आपकी जो एज है उससे आप 4-5 ईयर्स बड़े ही दिखते हैं। तो ये जो जिंको बिलोबा मदर टिंचर मेडिसिन है ये इन सभी प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी दूर करती है। चाहे वो आपकी त्वचा पे झुर्रियाँ हो, चाहे वो आपके बालों का रंग हो, ये सभी पर इफ़ेक्ट करती है और इन सभी के एजिंग के प्रोसेस को स्लो करती है। तो सबसे पहले हम अगर बालों की बात करें तो ये बालों का सफ़ेद होना रोकती है, बालों का टूटना रोकती है, मेंटल वीकनेस को ये कम करती है, आपकी जो याददाश्त धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है उसको ये इम्प्रूव करती है, आपका मेमोरी पावर जो है उसको बढ़ाती है। अगर आप स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से अगर गुजर रहे हैं और आपको लो फील होता है, बॉडी में थकान थकान सी बनी रहती है, वीकनेस फील होती है, तो भी जिंको बिलोबा मदर टिंचर बहुत अच्छी मेडिसिन है इस कंडीशन के लिए। अगर आपकी आँखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है विदाउट रीज़न और आपको ऐसा लग रहा है कि जितना आप वर्क नहीं करते उससे ज़्यादा आपकी आईज वीक हो रही है, तो भी ये मेडिसिन आपके लिए रामबाण दवा है कि आपको उस आई की रोशनी को ठीक करने में भी काफ़ी मदद करेगी। इसके अलावा अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन, अगर आपने बहुत सारे कॉस्मेटिक्स यूज़ किए हैं या बहुत ज़्यादा फेशियल और पार्लर के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो लिए, उसके बाद आपको लग रहा है आपकी फेस पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आ गई हैं और आपकी स्किन लटक सी गई है, तो भी मेडिसिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है या आपकी स्किन को टाइट बनाने का काम करती है और इनर ग्लो जो होता है स्किन में उसको प्रोड्यूस करती है। अगर आप इसको थोड़े लंबे समय तक लेंगे तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके दूसरे गुणों की, तो इसका आपकी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो हार्ट हो, चाहे लंग्स हो, चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो, ये इन सभी जो वाइटल ऑर्गन्स है इनके फंक्शन को इम्प्रूव करती है, आपके सर्कुलेशन को अच्छा करती है और इनके फंक्शन को इम्प्रूव कर करके ये इनका जो एजिंग का प्रोसेस है उसको भी स्लो कर देती है। अगर वाइटल ऑर्गन्स का फंक्शन इम्प्रूव हो गया और उनकी एजिंग की प्रोसेस रुक गई है तो आपकी बॉडी की जो एजिंग की प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाएगी। इसके अलावा अगर बोन्स और जॉइंट्स में हम देखें तो ये बोन्स को भी इनर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, साइनोवियल जो जॉइंट्स फ्लूड होता है जो जॉइंट्स में उसको भी इंक्रीज करती है और आपके जो बोन्स में एक पेन रहता है, एक थकान थकान सी रहती है बोन्स की वजह से, बोन्स की वीकनेस की वजह से, तो उसको भी ये दूर करती है। इसके अलावा अगर हम इसके और अधिक गुणों की बात करें तो जो मसल्स वीकनेस फील होती है हमें, मसल्स में जो पेन बना रहता है या सूजन सी छाई हुई रहती है किसी भी वजह से, ओवरवर्क से या ओवर एग्जर्शन से, तो भी जिंको बिलोबा मदर टिंचर बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर आप नींद की परेशानी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, नींद आपको अच्छी नहीं आ रही है, टेंशन के कारण, डिप्रेशन के कारण, एंजाइटी के कारण, किसी भी वजह से अगर आपको नींद अच्छी नहीं आ रही है तो भी जिंको बिलोबा मदर टिंचर आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। इसके अलावा जो नर्व वीकनेस है, जो बॉडी में सुन्नपन रहता है या नंबनेस आपके अगर शरीर में बनी रहती है वीकनेस के साथ साथ, तो भी ये मेडिसिन आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगी, आप इसे यूज़ करके ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर हम जिंको बिलोबा मदर टिंचर के और गुणों की बात करें तो इसके कहीं गुण ख़त्म ही नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जो भी एजिंग प्रोसेस होता है बॉडी में, चाहे वो आइस का हो, चाहे वो आपकी स्किन का हो, चाहे आपके बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स का हो, चाहे वो
फिजिकल वीकनेस हो उस पर भी ये काम करती है। इसके अलावा जो ओल्ड एज में जो अल्जाइमर्स और पार्किंसन डिजीज हमें देखने को मिलती है, और अगर किसी एडल्ट में, किसी पर्सन में यंग एज में अगर उसकी शुरुआत दिख रही है, तो आप जो उसकी मेडिसिन है वो तो आपको साथ में चलानी ही है, नो डाउट। बट ये जो जिंगो बिलोबा मदर टिंचर है, ये अल्जाइमर्स पार्किंसन डिजीज में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और उसका जो प्रोग्रेस है उन जो डिजीज का जो प्रोग्रेस है उसको काफ़ी स्लो बना देती है। तो इस तरह से ये जो ट्रेमर्स है आपके, जो ओल्ड एज के ट्रेमर्स होते हैं, आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा, वो लिखते हैं तब उनके हाथ हिलते हैं, या फिर विदाउट कुछ काम किए हुए भी ओल्ड एज में कुछ पर्सन के हाथ हिलते हैं। और ये वाली जो चीज़ है अब ये यंग एज में भी काफ़ी लोगों में देखने मिली है, चाहे वो राइटर्स हो या जो टाइपिंग वाले लोग होते हैं उनमें जो ट्रेमर्स होते हैं, और वो कई बार हंसते हुए बोलते भी हैं कि हमारा तो अभी से ना ओल्ड एज आ गई है, बुढ़ापा आ गया है। तो वो पर्सन भी ये जिंगो बिलोबा मदर टिंचर ले सकते हैं, ये आपकी नर्व्स को स्ट्रेंथ देगी, उसकी वीकनेस को कम करेगी, आपके जो ट्रेमर्स हैं उनको कम करेगी, मेमोरी पावर बढ़ाने के साथ साथ आपकी नर्व्स की पावर भी बढ़ाएगी। तो आप इसको ज़रूर लेकर देखें। जिंगो बिलोबा मदर टिंचर आपके सेक्सुअल डिसफंक्शन को भी इम्प्रूव करती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर हो रहा है, अगर आपकी सेक्स की जो डिज़ायर है उसमें कमी आ रही है, तो भी ये मदर टिंचर फॉर्म में आप 10-10 ड्रॉप्स 2-3 times इसको ले सकते हैं, उस टाइम पे भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। आपको जितनी भी सारी कंडीशंस मैंने जो आपको बताई है, इन सभी कंडीशन में आपको जो डोसेज है वो सेम ही रखनी है, 10 ड्रॉप्स 1/2 cup वाटर में 2-3 times, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 2-3 times, और अगर आपको थोड़ा सा फील होता है, थोड़ी कम प्रॉब्लम फील होती है, तो आप 2 times इसको शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ आप कोई अदर मेडिसिन भी अगर लेना चाहे अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग तो आप ज़रूर लें, लेकिन सिर्फ एक एजिंग का जो प्रोसेस है वो बॉडी में कहीं भी हो ये मेडिसिन कोई भी ले सकता है, सिर्फ हाँ बच्चों को आप ये मेडिसिन ना दें, क्योंकि बच्चों को एजिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, तो बच्चों को ना दें। कोई भी एडल्ट 30 से लेके 60-70-80, कोई भी एडल्ट से लेके ओल्ड एज के पर्सन इस मेडिसिन को आराम से ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है मेरी बताई हुई जानकारी किसी और के काम आ सकती है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।